बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक पिता पुत्र रहते थे। वे दोनों बहुत ही गरीब थे। उस आदमी का बेटा कहीं दूर किसी दूसरे देश में चला गया। वक्त गुजरा और पिता ने काफी धन जमा किया और पुत्र काफी गरीब हो गया। अब काफी सालों बाद उस व्यक्ति का पुत्र भोजन और वस्त्र की खोज में उस देश में वापस आया जिसमें उसका पिता रहता था। पिता ने उसे देखा और उसे एकदम से पहचान लिया। उसने अपने पुत्र को बुरी दुर्दशा में देखा और अपने कुछ सेवकों को उसे बुलाने का आदेश दिया। जब बेटे ने उस जगह को देखा जहां उसे ले जाया जा रहा था, तो उसने सोचा, लगता है कि मैंने गलती से एक शक्तिशाली व्यक्ति से मुसीबत मोल ले ली है। पता नहीं मैंने क्या किया होगा, पर लगता है कि वह मुझे जेल में डाल देगा। अपने पिता को देखने से पहले ही वह डर के मारे भाग निकला। तब पिता ने अपने पुत्र के पीछे सिपाही भेजे। पकड़े जाने पर वह चिल्लाने और विलाप करने लगा और कहने लगा कि उसने कुछ नहीं किया है, पर सिपाहियों ने उसकी एक ना सुनी और उसे वापस लाया गया। तब पिता ने अपने नौकरों को अपने बेटे के साथ कोमलता से पेश आने का आदेश दिया। उसने अपने बेटे के पद और शिक्षा के लिए एक शिक्षक को नियुक्त किया। जब वह लायक हुआ तो उसे उसकी काबिलियत के अनुसार एक नौकरी भी दिलवा दी। बेटा अपनी नई स्थिति से प्रसन्न था। पिता अपने पुत्र को अपने महल की खिड़की से देखता रहता। जब पिता को लगा कि उसका बेटा ईमानदार और मेहनती हो गया है, तो उसने उसे पदोन्नत किया और उसे एक ऊंचा पद दे दिया। कुछ समय बाद पिता ने अपने पुत्र को बुलवाया और सबके सामने ये उजागर किया कि वह युवक उसका बेटा है। यह सुनकर उस लड़के की आंखों में आंसू आ गए और वह बहुत प्रसन्न हुआ। इस एक पल में उस लड़के की जिंदगी खुशियों से भर गई थी। इस दुनिया में जिस तरह उस लड़के के पिता ने उस लड़के को देखा और वक्त के साथ उस लड़के की काबिलियत के अनुसार उसे पदोन्नत किया, वैसे ही जिंदगी भी है। ईश्वर भी हमें उसी तरह से देखते हैं जिस तरह वो पिता अपने पुत्र को खिड़की से देखता था। और जब हम अपनी मेहनत से काबिलियत हासिल कर लेते हैं, तो ईश्वर भी हमें वो चीज दिला ही देते हैं जिसकी हमें तलाश थी। धन्यवाद।